नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग हो रहे हैं जो रोज कुआं खोद कर रोज पानी पी रहे थे, यानी समाज का ऐसा वर्ग जो एक दिन ना कमाए तो घर में फांकी की स्थिति बन जाती थी। अब तो लॉकडाउन का एक महीना हो चुका है, ऐसे में इन गरीब जरूरतमंदों की हालत क्या होगी ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। बालाघाट जिले में ऐसे सहयोगी संस्थाओं ने गुलमोहर फाउंडेशन सबसे आगे नजर आ रहा है, जिसने 27 मार्च से अब तक लगभग 40 टन खाद्य सामग्री निस्वार्थ भावना से जरूरतमंदों तक पहुँचाई है। गुलमोहर फाउंडेशन के डायरेक्टर अनुराग चतुर्मोहता ने बताया कि उनके द्वारा शहर के युवा साथियों के सहयोग से बालाघाट लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र लगभग सभी ग्राम पंचायतों और शहर के सभी 33 वार्डों में निवासरत लॉकडाउन से प्रभावित जरूरतमंदों को भोजन सामग्री के पैकेट दिए गए हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल, शक्कर, तेल, मिर्च, मसाले शामिल हैं और अभी तक 10,000 पैकेट वितरित किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर और साबुन भी दिया गया है। इन्होंने बताया कि जरूरतमंदों में वो लोग भी शामिल हैं जो दुकानदारों में काम करते थे और जिनके मालिकों ने उन्हें कोई मदद नहीं की है। आगे बताया कि उनकी ओर से एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति फोन करके अपनी आवश्यकता बता सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। इक्यानवे पंचायतें हैं हमारे यहाँ पर बालाघाट और लालबर्रा में, और साथ ही साथ 33 वार्ड हैं। ऐसे करके 124 यूनिट में लगभग ऐसी कोई जगह शेष नहीं है जहाँ हमारे पास हमारे द्वारा अनाज वितरण नहीं किया गया है। साथ ही साथ जैसे एक आज के युग में स्विगी का, जोमेटो का भी युग है, तो हमारे द्वारा अपने नंबर प्रदान किए गए हैं, हमारे जो लोग हैं वो हमको मैसेज में अपना एड्रेस मुहैया करा रहे हैं और हमारे द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हमारे द्वारा उनके घर तक उस अनाज को पहुंचाने का कार्य पूरी ताकत से किया जा रहा है। लगभग कितना लक्ष्य है आपका? लक्ष्य तो कुछ नहीं है, लक्ष्य ऐसा है ईश्वर दे रहा है, जब तक ताकतें करेंगे और जब तक भी लॉकडाउन है, 3 मई तक का अभी लॉकडाउन है, 3 मई तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि लगातार ये क्रम में अनाज का वितरण होता रहे। और सामाजिक रूप से मेरा तो ये निवेदन है कि सभी लोगों को आगे आकर